लाखों रुपए की चोरी का खुलासा न होने पर किसान यूनियन बैठी धरने पर। पॉपपुर में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा न होने पर किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारी कार्यकर्ता तहसील में धरने पर बैठ गए। बता दें कि कुछ समय पूर्व सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के गांव पॉपपुर में भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी के यहाँ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें लाखों रुपए की नकदी और जेवरात आदि को चोर चोरी कर ले गए थे। जिसमें किसान यूनियन के पीड़ित पदाधिकारी का आरोप है कि इलाका पुलिस द्वारा आरोपियों से 6 लाख रुपए में फैसला करवा दिया था और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं आरोपियों के द्वारा ना तो फैसले का पैसा दिया गया, ना पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई कर उसके चोरी किए गए माल को बरामद किया गया है, जिसको लेकर आज दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील में घटना के खुलासे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनार सिंह है, भारतीय किसान यूनियन तहसील जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, ये आप जो धरना कर रहे हैं इस बारे में बताएं। इस बारे में ये है कि हमारी युवा पुलिस जो है आरोपियों को पकड़ लाती है जी। हमने बताया उनको कि ये है हमारे चोर हैं जी। पकड़ लाती है और यहाँ पैसे ले करके और उनको फिर छोड़ देती है, खुलेआम पे घूमते हैं। और उनका कहना है ये कि हमने 1.5 लाख रुपया दिया, हमारा पुलिस क्या करेगी। चोरों का कहना है, लोगों से इनसे भी खुद कहा है कि हमारा 1.5 लाख रुपया हमने खर्च किया है तो क्या हमें कोई पुलिस पकड़ ले जाएगी, हमको कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी आप करो। हमारा गांव में भी बैठ करके बातचीत चली कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो है आपस की बात है, हमारा दे दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं देंगे हम, 1.5 लाख रुपया हमने पुलिस को दिया। उसके चलते हुए आप ये धरना प्रदर्शन? हाँ, उसके प्रांत ही ये धरना प्रदर्शन है कि न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस बार बार हमें परेशान कर रही है। हमें 1 महीना पूरा होगा, पिछली 29 तारीख की बात है, 19 तारीख को हम लोग जो आए और हमने FIR दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई हमको न्याय नहीं मिला, इसलिए हमने। नाम क्या है? राम स्वरूप। कौन सा गांव है आपका? जी। ये बताइए, इस वक्त आप जो धरना दे रहे हैं, ये क्या मामला है, इस बारे में पूरी बताएं। मुझे को न्याय नहीं मिला, मेरी 10-12 लाख की चोरी है की जी, और वहाँ में पुलिस के सामने फैसला हुआ 6 लाख रुपए में जी, और मुझे को वो पैसा नहीं मिला। अच्छा, तो अब जो आप धरना दे रहे हैं इसका क्या वजह है? मुझे को न्याय ना मिल रहा है, माल हमारा जब तक बरामद नहीं होगा तब तक हम धरना जारी रखेंगे। तो पुलिस ने दोषियों को जेल भेज दिया? नहीं, नहीं भेजा, वो तो छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लाते हैं, कभी छोड़ देते हैं। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण, जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होलीगेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181 0400।